तो हे गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों के साथ पाई नेटवर्क का एक ऐसा अपडेट शेयर करने जा रहा हूं जो हमने इसे इग्नोर कर दिया था। लेकिन दोस्तों, आज मैंने इस अपडेट पे जब फोकस किया तो मुझे जो सच्चाई पता चला है वो काफ़ी ज़्यादा ही चौंकाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, थोड़ा भी स्किप मत करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और दोस्तों, यहाँ पे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आने वाली जितनी मेरी वीडियोस हैं आप लोगों को सबसे पहले टाइम से मिल जाए। तो चलो यार, आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम जाते हैं रोड मैप पे। रोड मैप पे दोस्तों हम जाएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पे क्या, इसके कहने का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है। तो देखिए दोस्तों, ये जो अपडेट है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले, आप अगर फेक अकाउंट यूज कर रहे हैं, फेक अकाउंट यानी चला रहे हैं, तो दोस्तों पाई का फेक अकाउंट सबसे पहले आपको डिलीट करना होगा। अगर अभी तक नहीं किए हैं तो भैया, यहाँ पर आप बहुत बड़ा लॉस में जाने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने फेक अकाउंट डिलीट नहीं किया तो यहां पे आपका जो रियल अकाउंट है वो भी डिलीट हो सकता है, पाई का ऐसा कहना है इस अपडेट में। जी हां दोस्तों, सबसे पहले आप लोग फेक अकाउंट को डिलीट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहां पे दोस्तों आपका जो केवाईसी है वो जब पूरा होगा, जब केवाईसी पाई करवाएगा तो आपका पूरा डाटा मांगा जाएगा। दोस्तों, जब भी केवाईसी होगा तो पूरा आपका कंप्लीट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा, आपके फेस के साथ यहाँ पे आपके केवाईसी होगा, आपके आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ यहाँ पे कंप्लीटली आपका केवाईसी करवाया जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी तक आप फेक अकाउंट यूज कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है उसको यूज करने का, उसको अभी डिलीट कर दीजिए, क्योंकि उसका केवाईसी नहीं होगा। तो अगर केवाईसी नहीं होगा तो आपको दोनों अकाउंट से पैसा नहीं मिलेगा, किसी का भी नहीं मिलेगा, सब कुछ लॉस हो जाएगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे आज के इस वीडियो में आप लोग को यही बताने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पाई का कहना, ये सिक्योरिटी सर्कल के बारे में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिए हैं। यहाँ पे केवाईसी आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप जो है कि अगर मान के चलो कि आप ए हो, ठीक है, आप ए हो और आपके सिक्योरिटी सर्कल में ए के बाद बी सी डी ई एफ, इस तरीके से आपके सिक्योरिटी सर्कल में लोग ऐड हैं जिसको आपने ऐड किया हुआ है। सिक्योरिटी सर्कल कहाँ पर है मैं आपको सबसे पहले वो दिखा देता हूँ। तो देखिए, सिक्योरिटी सर्कल कौन सा है, जैसे कि आप देख सकते हैं आप लिखा है 100%। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहां पे लिखेगा आपका योर सिक्योरिटी सर्कल। तो देखो, यहां पे मेरे पास 5 लोग हैं और 5 से ज्यादा ऐड नहीं हो सकते, यहां पे सिक्योरिटी सर्कल में सिर्फ 5 लोग ही ऐड हो सकते हैं। आप 5 लोग वही रहेंगे जो 100% सिक्योर, मतलब टाइम टू टाइम माइनिंग करते रहें और उनका केवाईसी भी होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, रोड मैप में मैं आपको दोबारा से एक बार विजिट करता हूं और दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको पढ़ के नहीं, पूरा कंप्लीट आपको ऐसे ही बता देता हूँ। दोस्तों, इसके कहने का मतलब ये है कि मान के चलो कि आप ए हो, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ए इज़ ए माइनिंग पायनियर हु हैज़ पास केवाईसी, मतलब आपका केवाईसी पहले पास होना चाहिए, मतलब आपने केवाईसी तो कर लिया लेकिन आपके केवाईसी होने के बाद आपने जिसको सिक्योरिटी सर्कल में ऐड किया हुआ है उनका भी केवाईसी होना चाहिए। अगर उनका केवाईसी कंप्लीट नहीं होता है तो यहाँ पे आपका पूरा जितना भी आपने टीम से अर्न किया है क्वाइन, वो क्वाइन आपको एक भी नहीं मिलेगा। मतलब कि सिक्योरिटी सर्कल में आपके 5 लोग हैं और आपने कम से कम 100 लोग को ऐड किया है, 100 लोग के टीम से आपने यहाँ पे पाई क्वाइन को ऐड, मतलब अर्न किया है। अर्न करने के बाद आप चाहोगे कि मुझे वो मिल जाए तो वो आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके कहने का जो मतलब है वो पूरा क्लियर दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ भी दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है, देख सकते हो, अगर मान के चलिए मैं आपको यहाँ पे सिक्योरिटी सर्कल में आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे पूरा क्लियर समझ लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपना केवाईसी करना होगा और जिसको आपने सिक्योरिटी सर्कल में ऐड किया है, ये 4 लोग हैं, मान के चलो कि ये 5 लोग हैं, ठीक है, तो 5 लोग यानी कि 5 लोग हैं तो 5 लोगों का केवाईसी होना चाहिए। अगर इसमें से एक भी लोग का केवाईसी कंप्लीट नहीं होता है, मतलब 4 लोग का केवाईसी पूरा हो गया और एक लोग का छूट गया, तो दोस्तों आपको किसी भी तरह का आपको कोई भी क्वाइन नहीं मिलेगा। मतलब आपने जो अपने से माइनिंग करके क्वाइन अर्न किया है वही सिर्फ आपको
मिलेगा और टीम का सारा कुछ जीरो हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा बैड न्यूज़ है हम लोग के लिए, बहुत ख़राब न्यूज़ है दोस्तों। हमें देख करके बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पे बहुत दुख हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग उन्हीं लोग को सिक्योरिटी सर्कल में ऐड कीजिएगा जो लोग यहाँ पे KYC कर सकें, ठीक है। और जितने लोग फेक अकाउंट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अगर आप फेक अकाउंट यूज कर रहे हैं तो प्रोफाइल में जा करके आप अपने फेक अकाउंट को डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे लिखा है अकाउंट डिलीशन, इस पर आपको सी हाउ पे क्लिक करके अकाउंट को डिलीट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, मैनेट लाइव हो जाएगा इसी महीने में और KYC आपका, यहाँ पे जो KYC का टाइम पीरियड है आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो KYC का टाइम है आप देख सकते हो 14 मार्च 2022 से लेकर के यहाँ पे 28 जून के बीच में सबका KYC कंप्लीट करा दिया जाएगा, इनका ऐसा कहना है। अगर ये सही तरीके से वर्क कर लेता है, सही तरीके से इनका काम जो भी इनका टीम वर्क कर रहा है सही तरीके से परफॉर्म कर लेते हैं तो इनका मार्च से लेकर के जून के बीच में सभी का KYC करवा दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों KYC करने में बहुत समय लगता है, एक ही बार में सबका KYC नहीं हो सकता, KYC का ऑप्शन धीरे धीरे सभी लोग को आएगा। क्योंकि दोस्तों KYC जब आएगा तो 100 लोग को, 200-500 लोग को, ऐसे करके एक एक बार में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सभी को टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, टाइम टू टाइम माइनिंग कीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने जरूर कोशिश करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।